असल बसम डार एजुकेशन के डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में, में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो जॉइंस की बात करें और जॉइंस इज़ सो मच इंपॉर्टेंट और इसके अंदर रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप जब डाटा इंटेग्रिटी डाटा डिटेंडेंसी की बात करते हैं तो उस वक्त क्या कंडीशन होती हैं सपोज हमारे पास एक डाटा बेस है और उसके अंदर सेलेक्ट सैलरी फॉर एम्प्लाई डिटेल्स यू कैन सी दैट कि इसमें कुछ पाँच रिकॉर्ड्स मैंने एंट्री किए हुए हैं और एक मेरे पास और टेबल है लेट्स लेट्सपोज उसके अंदर मेरे पास एम्प्लाई uh, डिपार्टमेंट है और एक आई थॉट ऑन डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास एम्प्लाई आई डी है फैकेलेटी है और ये मैंने एक बनाया हुआ है लेट्स ये सेवन कूर कॉर्ड्स मेरे पास एचआर डिपार्टमेंट्स के अब अगर मैंने इनके दरमियान जॉइन लगा दिया और इनको आपस में रिलेट करना है तो ये सात रिकॉर्ड्स मल्टीप्लाई खाएंगे पांच रिकॉर्ड के साथ और कुल पैंतीस से छत्तीस रिकॉर्ड्स बन जाएंगे जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ज्वाइन इज अ कम्बिनेशन ऑफ अ कार्टीजियन प्रोडक्ट फॉलोड बाई सिलेक्शन कार्टीजियन प्रोडक्ट तो है यानी हर एक सेट दूसरे से मल्टीप्लाई खाएगा लेकिन कुछ कंडीशन के साथ सिलेक्शन के साथ वो सिलेक्शन क्या है A join operation pairs two tuples from different entities if and only if given condition is satisfied. given sirf sirf given condition, you satisfy Subsepale described the following sections. Subsepale joined join that was known as the theta join. Theta join combined tuples from different relations provided they satisfy the theta condition. और इसका मकसद क्या है कि आपकी जो थीटा कंडीशन हैं वो सेटिसफाइड हों और थीटा कंडीशन क्या हैं है सपोज आपके पास दो सेट्स हैं आर वन एंड आर टू आर वन में कोई वैल्यूज़ हैंट्सपोज़ ए वन ए टू ए थ्री ए फ ए एन और आर टू के अंदर एक वैल्यूज़ हैं आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल बी वन बी टू बी एन जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें ऑर्डर सेट्स बनाने के लिए तो उनमें एक बात लाजमन होनी चाहिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 विल बी अ नल सेट अगर आपके पास एक सेट है फॉर एग्जाम्पल थ्री फोर का और वन फाइव सिक्स का और आप इसका तकाते सेट ले तो ये तकाते सेट क्या होगा एक नल सेट होगा क्योंकि इनके दरमियान कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है लेकिन अगर आपके पास एक सेट है लेट्स सपोज वन टू का और दूसरा सेट है आपके पास टू थ्री फोर का तो इसके अंदर जो दोनों के अंदर कॉमन चीज़ है वो टू है लेट्स सपोज ये जैसे आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है दीटा ज्वाइन कैन यूज आल काइंड ऑफ कम्पेरिजन ऑपरेटर्स Uh, हर किस्म के ऑपरेटर्स हैं जैसे कि 101 है एक पहला स्टूडेंट का और 102 है एलेक्स मारिया और 1011 का इसके अंदर आप गौर करें कि स्टूडेंट आईडी के ऊपर हमने की कंस्ट्रेंट इम्प्लीमेंट किया हुआ है और दूसरा सब्जेक्ट का है इसमें क्लास क्या है टेन 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 अलेवन अलेवन अब क्लास में क्या हो रहा है टेन मैथ के ऊपर है टेन इंग्लिश के ऊपर है अलेवन म्यूज़िक है और अलेवन स्पोर्ट्स है अगर आपने इनकी स्टूडेंट डिटेल दे दी तो आप गौर करेंगे कि ये कुछ इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट इसकी फॉर्म होगी इसके अंदर गौर कीजिए स्टूडेंट और ये आपके पास थीटा ज्वाइनिंग कर रहा है स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू सब्जेक्ट डॉट क्लास और फिर सब्जेक्ट आप गौर करें तो इसमें कोई चीज़ भी इनके दरमिया यहाँ से कॉमन हो रही ये है ये प्राइमरी और ये फॉरेन की है गौर ये relationship जोड़ा है। एक की foreign की, दूसरे की लेकिन ये एक primary की नहीं है इसके अंदर गौर करें। ये कल हमने बात की थी वीक सेट की क्योंकि इसके अंदर अगर प्राइमरी की लगी होती तो ये आपके पास सिर्फ 10 और 11 हो सकते थे लेकिन यहाँ पे 10 और 11 नहीं आ रहे बल्कि यहाँ पे 10-10 दो दफा आ रहा है तो इसकी वजह यह हो सकती है कि वन जीरो और इसी वजह से आप गौर करें कि चार रिकॉर्ड्स बने वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो टू वन जीरो टू क्यों जी वन ज़ीरो वन दस एक दफ़ा वन जीरो वन दस दूसरी दफ़ा वन ज़ीरो टू एक दफ़ा वन ज़ीरो टू तो चार प्रोडक्ट्स बनने थे तो कार्टीजियन प्रोडक्ट्स के अंदर वो यही चीज़ इम्प्लीमेंट होगी कि आपका रिकॉर्ड क्या इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक टेबल डाटा बेस बनाते हैं लेट्स क्रिएट डाटा बेस फॉर एग्जाम्पल यूनी के नाम से बना रहा हूँ यूनिवर्सिटी से बना दें मेरी और यहाँ पे अब यही वाली जो एग्ज़ैम्पल है मैं इसको इसको मुख्तफ तरीकों से आपके लिए करूँगा क्रिएट टेबल लाइक स्टूडेंट और इसके अंदर मैं रोल नंबर इंटीजर प्राइमरी की मैं रख रहा हूँ दूसरी मैं क्या दे रहा हूँ इसका नेम एन वेरिएबल करेक्टर सपोज फिफ्टी और और इसका क्लास इसको इंटीजर लेट्स पोज मैंने आपसे पहले है कि आप सारी सीक्वल को एक तरफ रख दें क्योंकि देखें बहुत सिंपल है आपको सीक्ल को समझना सीक्ल को बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है लेकिन बहुत टेक्निकल है आपके प्रोजेक्ट्स बेशक आप एंड्राइड में बनाएं आप एम में बनाएं ए में बनाएं आप पी में बनाएं आप बेशक उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन में बनाएं डाटा से आपकी जान नहीं छूटेगी डाटा ही इम्पॉर्टेंट है आप बेशक साइंटिफिक काम कर रहे हो या आप किसी के लिए शॉप का डाटा बना रहे हो डाटा के बगैर आप नहीं कुछ कर क्योंकि अगर आप पहले दिन तारीफ करते हैं कंप्यूटर की तो वो क्या है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर डाटा रिट्राइव डाटा एंड प्रोसेस डाटा तो ना आपको स्टोर करना आ रहा है ना रिट्राइव करना आ रहा है ना इसको प्रोसेस करना आ रहा है स्टोर करने के लिए ज़्यादातर आप दो कमांड इस्तेमाल कर लेंगे क्रिएट की कर लेंगे इंसर्ट कर लेंगे अपडेट भी बहुत कम इस्तेमाल होती है डिलीट हो जाएगी ज़्यादा हमारा जोर रिट्राइव के ऊपर होता है कि हमने रिट्राइव डाटा क्यों कैसे करना है और जब बात हो रही है रिलेशनल डाटा पीस मैनेजमेंट सिस्टम की तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हमने वैल्यूज़ कैसे रिट्राइव करनी है हाउ हाउ कुड यू डू दैट ओके okay, जी एक ये टेबल हो गई और एक क्रिएट टेबल यानी एक दफ़ा ये काम है क्रिएट का तो सिर्फ एक दफ़ा काम है ना सब्जेक्ट्स हैं जी आ, ये सब्जेक्ट्स आ गए इसमें मैंने क्लास इन टीचर और सब्जेक्ट दे दें सब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट है जी लेट्स पोर्स एन वेरिएबल करेक्टर इट विल बी लाइक दिस फिफ्टी ये मेरे पास दो टेबल जो हैं वो सब्जेक्ट्स की और इसकी फॉर्म्ड हो गई अब सबसे पहले मैं एक में इंसर्ट करता इंसर्ट इन टू अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंसर्ट इन टू किस में कर रहा हूँ स्टूडेंट में और वैल्यूज़ कर प्राइमरी की नहीं दी हुई मैं बिल्कुल सेम रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ सैफ और इसका जो नंबर क्लास है जी लेट्स पोज टेन ये एक इंसर्ट हो गया दूसरी वैल्यू दे रहा हूँ जी हावर की और मैंने आप लोगों को एक बात समझाई है जो कंप्यूटर आपको रिज़ल्ट ओरिएंटेड करता है वो सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन जो पीछे बन चुके हैं उन्हीं की बेस पे वो कर रहा है किसी के कहने से किसी की ख्वाहिशों की बेस के ऊपर ये रिजल्ट नहीं देता ये कुछ कवानी और कुछ रूल्स और रेगुलेशन की बेस पे आपको रिज़ल्ट देता है तो लेट्स सपोज सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट ये जो आज वाला लेक्चर है आपके लिए हमेशा काम आएगा ये 102 है एक मैंने इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड और एक हम इंसर्ट करते हैं इन टू सब्जेक्ट्स वैल्यूज़ और इसमें मैंने टेन किया है लेट्स सपोज डी बी एम एस ओके इंसर्ट करेंगे एक वैल्यू इंसर्ट कर दी और दूसरी वैल्यू लेट्स सपोज ग्यारह कर दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ये दो लैंग्वेजेस हमारी हो गई और एक और वैल्यू इंसर्ट करें ग्यारह की ऊपर जो क्लास हो रही है वो हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की और एक और है जी दस की वैल्यू वो दे दें सी प्लस प्लस की तो हमारे पास रिकॉर्ड्स कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाने चाहिए slash from subjects. Okay, we have four records are there. 10, 11, 11, 10. अब यहाँ पे कुल इसी तरह से कंडीशन जो है वो फॉर्म हो गई लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ पे तो हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं कि कार्टीजन प्रोडक्ट के साथ होगा लेकिन कंप्यूटर में जब आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो वो कैसे होगा सेलेक्ट आप करेंगे अब आपने कौन कौन सी देखनी है लेट्स सपोज आपने तीनों रिकॉर्ड्स और तीनों वो देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट और क्लास तो इस मीन्स सेलेक्ट आपको पहले देना होगा स्टूडेंट्स फ्राम स्टूडेंट्स और साथ में स्टूडेंट्स के साथ डॉट स्टूडेंट्स का क्या था ऊपर रोल नंबर students dot name students dot class और दूसरी टेबल आपकी क्या थी सब्जेक्ट्स की इसके अंदर आपने क्या देना है उसी तरह से सब्जेक्ट्स डॉट क्लास सब्जेक्ट्स के साथ Subjects के साथ सब्जेक्ट है ओके okay. हमने यूज नहीं किया था ये एरर उसकी वजह से आता है क्योंकि जब तक आप उसको डेटाबेस को यूज नहीं करते वो एक इंफॉर्मेशन नहीं देता जून स्टूडेंट डज नाट एग्जिस्ट ओके टेबल्स नहीं बनी एक टेबल हमारी टेबल्स उसमें आ गई okay das Oop. स्टूडेंट है टेबल का स्टूडेंट स्टूडेंट ओके okay. अगर आप इसको देखें तो ये कार्टीजियन प्रोडक्ट की बहुत वैलिड शक्ल है क्योंकि अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट तो वी हैव ओनली टू रिकॉर्ड्स और सेलेक्ट स्टरिक फ्रॉम सब्जेक्ट्स वी हैव फोर रिकॉर्ड्स लेकिन जब हम इसको लगाते हैं तो ये हमें कुल कितने देता है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ कार्टीजियन प्रोडक्ट के रूल पे पूरा उतरा हर सेट ने दूसरे से आपके मल्टीप्लाई खाना है ये वाली कंडीशन जो है ये कार्टीजियन प्रोडक्ट की एग्जांपल है तो ये जो अभी हमने आपको इसका ज्वाइन दिया था और इसमें आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन अराइज हुई तो फिर क्या होना चाहिए थीटा ज्वाइन कैसे होगा थीटा ज्वाइन का मतलब ये है कि आपकी कोई ना कोई कंडीशन आपने लगानी होगी वो कंडीशन कैसी होगी वियर स्टूडेंट डॉट क्लास इक्वल टू सब्जेक्ट्स डॉट क्लास ये मैंने एक कर दिया कर जी एक स्टूडेंट का यानी ये प्राइमरी की तो हमें लगानी पड़ती है लेकिन फॉरेन की याद रखने वाली बात है कि कोई की लिखना नहीं पड़ता बल्कि इस तरह से उसकी कंडीशन इम्पोज़ करनी पड़ती है अब देखें क्या सेम रिज़ल्ट आया जैसा रिज़ल्ट आपने वहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे थे क्या सेम रिज़ल्ट फॉर्म हुआ अब ज़रा गौर करें मैं इसमें तब्दीलियाँ कर रहा हूँ सपोज हमने एक स्टूडेंट और ऐड कर दिया लेट्स सपोज हमारे पास वन जीरो थ्री रिकॉर्ड आ चुका है और हबीबा यहाँ पे एंट्री हुई उन्होंने भी 10 की क्लास पढ़ रही हैं अब ये पहले वैल्यू इंसर्ट करें अब आप तस्वर करें कि कुल कितनी वैल्यूज आनी चाहिए चार पांच या छ कितने रिकॉर्ड्स बने दो तीन चार पांच छ छ क्यों बने क्योंकि दस की दो वैल्यूज थी एक सेट में तीन थे तो दूसरे में दो वैल्यूज़ थी कि चार थी चार थी लेकिन उनकी जो प्राइमरी की थी दैट विल बी द टू टू वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती थी लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पे एक आ, एक कोर्स और लेट्स लेट्स पोज कोर्स देखें दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटिंग एक कोर्स हमने डाल दी अब देखें कितना फर्क पड़ा जी कोई फर्क पड़ा वही है क्यों क्योंकि जो आपने कंबिनेशन सब्जेक्ट्स का जोड़ा था वो कहीं पे भी आपने उसकी फॉरेन की के साथ नहीं जोड़ा यानी एक तरफ आपकी कीज मौजूद हों और वो दूसरी तरफ मौजूद ना हो जैसे कि सिलेक्ट टैरिक फ्रॉम सब्जेक्ट्स करके देखते हैं तो वी हैव ऑलमोस्ट टेन टेन अलेवेन अलेवन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं लेकिन ट्वेल्व किसके साथ जोड़ा है किसी के साथ भी नहीं जोड़ा ये देख लें गए कहेंगे टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स नॉट हैव ट्वेल्व रिकॉर्ड्स लेकिन एक स्टूडेंट है फॉर एक्जाम्पल वन जीरो थ्री हैं लेकिन उन्होंने एक और कोर्स में दाखिल लिया दैट वॉज ट्वेल्व ये फॉरन की का तयन करेगा ये ज्वाइनिंग उसकी करेगा और वन जीरो वन Staff, इन्होंने भी ये बारह का कोर्स है, वन जीरो फाइव अतिया ने भी यही कोर्स लिया है आप जरा गौर करेंगे अब वैल्यूज इंक्रीज गई आपको यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटिंग नजर आ रहा है बाकियों में क्यों नहीं नजर आ रहा है वन जीरो वन में हमने नहीं दिया था आप स्टूडेंट्स को देखें वो हमने तो कमांड्स उसकी रन ही नहीं की थी वन जीरो वन अच्छा वो प्राइमरी की लगी हुई थी ना इसलिए काशिफ क्योंकि एक के ऊपर हमने प्राइमरी की लगाई हुई थी सो दिस इज़ द कंडीशन के आपके कोर्सेज जो हैं वो इस तरह से शो होना शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच एंड इनशा इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसी यही जो ज्वाइन मैंने अभी आप सामने किया है दैट वॉज नोन एज द इक्वी ज्वाइन थीटा ज्वाइन जूज इज़ ऑनली इक्वालिटी कंपेरिजन दोनों के आखिर में मैंने कंपेयर किया था ना इसी थीटा ज्वाइन को हम इक्वाली कंपेरिजन ऑपरेटर इट इज़ सेट टू बी इक्वी ज्वाइन वो थीटा ज्वाइन का जो दूसरा नाम है दैट वॉज नोन एज द इक्वी ज्वाइन द अबव एक्जाम्पल कॉरिस्पॉन्ड टू द इक्वी ज्वाइन तो ये रिजल्ट हमें जो शो हो रहा है जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ होंगी देन इट विल बी शोन लाइक दैट इक्वी ज्वाइन वज दे थैंक यू वेरी मच और इनशाला द नेक्स्ट लेक्चर्स हम फिर नेचुरल ज्वाइन आउटर जॉइंट्स लेफ्ट आउटर ज्वाइन राइट आउटर जॉइंट्स और फुल आउटर ज्वाइंस की बात करेंगे और इसकी हम मैथमेटिक्स